हेलो फ्रेंड्स, पीवीआर स्टडी में आपका स्वागत है। आज आपका टॉपिक होगा माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। माइटोकांड्रिया बच्चों 9 से लेकर आपको 12 तक पढ़ेंगे। हर एक सिलेबस में 9, 10, 11, 12 में माइटोकांड्रिया है। एंड आप बीएससी एमएससी भी करते हो आगे तो भी उसमें आपका टॉपिक माइटोकांड्रिया जरूर रहता है। उसके साथ साथ अगर आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हो जैसे एसएससी, एसएससी सीजीएल एंड ग्रुप डी, एनटीपीसी, देखिए सभी चीजों में माइटोकांड्रिया का टॉपिक जरूर आता है। ठीक है, मतलब इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन फंसते हैं तैयारी लोगों, मतलब एसएससी में, और जो आपका सिलेबस 9, 10, 11, 12 है उसके लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आज आपको माइटोकांड्रिया में बहुत ही बेसिक से बताऊंगी, एक एक चीज बताऊंगी, एक चीज तोड़ के बताऊंगी। तो बच्चों इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा। बात करते हैं माइटोकांड्रिया की कि माइटोकांड्रिया क्या होता है। माइटोकांड्रिया बच्चों हिंदी में बोलते हैं सूत्र कणिका। क्या बोलते हैं? सूत्र कणिका। माइटोकांड्रिया को बच्चों हिंदी में बोलते हैं सूत्र कणिका। क्या बोलते हैं? सूत्र कणिका। दूसरी चीज, माइटोकांड्रिया जो हमारा होता है बच्चों वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला माइटो और दूसरा कांड्रिया। पहला होता है माइटो, दूसरा होता है कांड्रिया। माइटो को बोलते हैं थ्रीटर और कांड्रिया का मतलब होता है ग्रेन्युअल। माइटो का मतलब थ्रीटर और कांड्रिया का मतलब होता है ग्रेन्युअल, जिसको हम लोग थ्रीटर को बोलते हैं धागे और ग्रेन्युअल को इंग्लिश में बोलते हैं कणिका। मतलब कि छोटे छोटे धागे और कणिका से मिलकर बने होते हैं माइटोकांड्रिया। ओके गाइस, तो अब बात करते हैं कि माइटोकांड्रिया की डिस्कवरी के बारे में कि माइटोकांड्रिया की खोज किसने की थी। माइटोकांड्रिया की खोज कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी गाइस? कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने। माइटोकांड्रिया की खोज कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने की थी। और जो कोलिकर नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने कीट के पेशियों में, किसके? कीट के पेशियों में माइटोकांड्रिया को देखा था, लेकिन उन्होंने माइटोकांड्रिया नाम नहीं दिया था, सिर्फ उन्होंने कीट के पेशियों में माइटोकांड्रिया को देखा था। लेकिन कुछ दिन बाद अल्टमान नामक वैज्ञानिक आए, उन्होंने क्या किया कि माइटोकांड्रिया को बायोप्लास्ट नाम दे दिया था। मतलब ये कि गाइस, पहले माइटोकांड्रिया को कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने उसकी खोज की थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था, उनका नाम कुछ नहीं दिया था, उन्होंने समझ नहीं, मतलब कि वो कोई नाम उसे नहीं दे पाए थे, सिर्फ उसे खोज किए थे कि इससे हमें ये प्राप्त होता है, इससे हमें ये फायदा होता है। ठीक, लेकिन उन्हें नाम कुछ भी नहीं दिया था। लेकिन जब अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने आए, कौन आया? अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, उन्हें नाम दे दिया बायोप्लास्ट का। किसे? माइटोकांड्रिया को बायोप्लास्ट नाम दिया। ठीक है, किसने दिया? अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने। ठीक बच्चों, फिर कुछ दिन बाद इसी तरह धीरे धीरे प्रोसेस चलता रहा। 1897 में, 1857 ईस्वी में सीबिंडा नाम के एक वैज्ञानिक आए थे। सीबिंडा नाम के एक वैज्ञानिक आए और उन्होंने माइटोकांड्रिया को क्या नाम दे दिया? सीबिंडा नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने माइटोकांड्रिया को, सॉरी, बायोप्लास्ट को माइटोकांड्रिया दे दिया। ठीक, देखिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझ में काम आ रहा होगा, मैं फिर से बता दे रही हूँ। पहले माइटोकांड्रिया की खोज कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने की थी कीट की पेशियों में। कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने कीट की पेशियों में माइटोकांड्रिया की खोज की थी। उसके बाद अल्टमान नामक वैज्ञानिक आए थे जिन्होंने उसे बायोप्लास्ट नाम दिया। और 1857 ईस्वी में सीबिंडा नामक वैज्ञानिक आए जिन्होंने बायोप्लास्ट से माइटोकांड्रिया नाम दिया। क्या दिया? माइटोकांड्रिया। ठीक गाइस, तो मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के बता दे रही हूँ। सबसे पहले उसकी खोज कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने की थी जिन्होंने कीट के पेशी में की थी। किसके? कीट के पेशियों में उसकी खोज की थी। फिर उसके बाद अल्टमान नामक वैज्ञानिक आए जिन्होंने, अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने क्या नाम दे दिया बच्चों? बायोप्लास्ट। ठीक, और उसके बाद जब सीबिंडा नामक वैज्ञानिक आए उन्होंने नाम दे दिया माइटोकांड्रिया। ठीक, ओके गाइस, अब बात करते हैं
इसी तरह धीरे धीरे प्रोसेस चलता रहा। फिर कुछ दिन बाद सिकविट्स नामक वैज्ञानिक आए। कौन है? सिकविट्स नामक वैज्ञानिक आया, जिन्होंने ये बताया कि माइटोकांड्रिया को हम लोग पावर हाउस भी कह सकते हैं। कह सकते हैं गाइस, पावर हाउस। मतलब ये कि उन्होंने बताया, जो सिकविट्स नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये बताया कि माइटोकांड्रिया को पावर हाउस या शक्ति ग्रह या ऊर्जा ग्रह भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एटीपी का उत्पादन होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है एंड ऊर्जा मिलती है। इसलिए हम इसे पावर हाउस या शक्ति ग्रह या ऊर्जा ग्रह भी कह सकते हैं। ओके गाइस, अब बात करते हैं माइटोकांड्रिया। आप ये डिस्कवरी खत्म हो गया, ठीक है, खोजकर्ता खत्म हो गया। लेकिन एक वैज्ञानिक और थे जिनका नाम था हार्क बुन। क्या था गाइस? हार्क बुन नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि माइटोकांड्रिया में दो चक्र भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? दो चक्र भी पाए जाते हैं, जिसका नाम है बच्चों, पहला क्रेब्स चक्र, दूसरा है इलेक्ट्रॉन अभिगमन। ठीक गाइस, पहला हमारा क्रेब्स चक्र, दूसरा हमारा है इलेक्ट्रॉन अभिगमन। ओके गाइस, ठीक। अब देखिए, अब बात करते हैं हम, डिस्कवरी हमारा खत्म हो गया, इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मैं एक बार आपको रिवाइज कर देती हूँ। देखिए, माइटोकांड्रिया को हिंदी में बोलते हैं सूत्रकणिका। माइटोकांड्रिया को हिंदी में सूत्रकणिका बोलते हैं, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला माइटो, दूसरा कांड्रिया। माइटो का मतलब होता है थ्रेटेड, कांड्रिया का मतलब होता है ग्रेन्यूल, जिसको बोलते हैं धागे और कणिका। धागे और कणिका से मिलकर क्या बने होते हैं? माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया की खोज कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने कीट की पेशियों में की थी। फिर कुछ दिन बाद अल्टमान नामक वैज्ञानिक आए, जिन्होंने माइटोकांड्रिया को बायोप्लास्ट नाम दे दिया था। प्लस 1857 ईस्वी में सिबिंडर नामक वैज्ञानिक आए और उन्होंने फिर से माइटोकांड्रिया नाम दे दिया था, बायोप्लास्ट से माइटोकांड्रिया नाम दे दिया था। फिर सिकविट्स नामक वैज्ञानिक आए, उन्होंने ये बताया कि माइटोकांड्रिया को हम लोग पावर हाउस भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें ऊर्जा मतलब उसमें एटीपी का निर्माण होता है। ठीक गाइस, उसमें एटीपी का निर्माण होता है, इसलिए उसे हम पावर हाउस या शक्ति ग्रह या ऊर्जा ग्रह भी कह सकते हैं। फिर क्या हुआ? हार्क बुन नामक वैज्ञानिक आए, जिन्होंने ये बताया कि इसमें दो चक्र पाए जाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन अभिगमन चक्र। तो गाइस, ये हो गया माइटोकांड्रिया की डिस्कवरी के बारे में, ठीक है। अब इससे देखिए गाइस, बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि हम पहला क्वेश्चन तो ये पूछ लेते हैं कि माइटोकांड्रिया की खोज किसने की थी? माइटोकांड्रिया की खोज कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने की थी। माइटोकांड्रिया को नाम किसने दिया था? माइटोकांड्रिया को नाम अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने दिया था। फिर उसके बाद ये कह सकते हैं कि माइटोकांड्रिया को अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने जो नाम दिया था बायोप्लास्ट, उसके बाद क्या हुआ, क्या रखा गया? तो माइटोकांड्रिया नाम रखा गया, ठीक है। सिकविट्स नामक वैज्ञानिक थे, ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है कि सिबिंडा, ये जो सिकविट्स नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या प्रोसेस किया, क्या बताया? तो इस तरीके से आपका बहुत से क्वेश्चन माइटोकांड्रिया की डिस्कवरी से ही पूछ जाता है। तो गाइस, आप सोचिए कि जब डिस्कवरी में इतने सारे क्वेश्चन बन रहे हो, तो जब आप पूरा टॉपिक समझेंगे तो कितने क्वेश्चन हमारे निकलेंगे। तो देखिए गाइस, आपको मैं पॉइंट टू पॉइंट बता रही हूँ, इसको समझिएगा, ध्यान समझिएगा, एक एक पॉइंट नोटेड करते जाइएगा। अब बात करते हैं गाइस कि माइटोकांड्रिया किन किन सेलों, मतलब किन किन पदार्थों या कोशिकाओं या किन किन जगहों में पाए जाते हैं। माइटोकांड्रिया जो हमारा होता है वो नील हरित शैवाल, मतलब कि नील हरित शैवाल और बैक्टीरिया को छोड़कर बाकी सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। गाइस, किसमें? नील हरित, नील हरित शैवाल एवं बैक्टीरिया, ठीक है। नील हरित शैवाल एवं बैक्टीरिया को छोड़कर बाकी सभी में ये पाए जाते हैं। ओके गाइस,
मतलब कि नीलगिरी सवाल और बैक्टीरिया को छोड़कर सभी एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में माइटोकांड्रिया पाए जाते हैं। ठीक गाइस, अब बच्चों बात करते हैं कि माइटोकांड्रिया का स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, माइटोकांड्रिया का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो मैं आपको इसमें नहीं बताऊंगी, इसमें मैं आपको डिस्कवरी के बारे में बताई हूँ, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो आपको माइटोकांड्रिया का स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी, आपका नेक्स्ट वीडियो रहेगा माइटोकांड्रिया की संरचना। ठीक है बच्चों, फिर आपको मैं इसी तरह मतलब कि थोड़ी थोड़ी वीडियो में बनाकर देती रहूंगी। तो गाइस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिए। आपको जो चीजें जहाँ पे ना समझ में आई वो चीजें आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके गाइस, मैं बस यहाँ पे आपको वीडियो खत्म करना चाहता हूँ। ओके बाय।